दोस्तों इस वीडियो में हम ट्रेडगो एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि आप इस पर किस तरीके से आईडी बना करके मोबाइल रिचार्ज करके उससे कमीशन पा सकते हैं। जितने भी तरह का बिल पेमेंट होता है वो सभी तरह का रिचार्ज करके आप यहां से कैशबैक कमा सकते हैं और इस पर काफी अच्छा खासा हमें कैशबैक मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में सिखाऊंगा कि इस पर कैसे अकाउंट बनाएंगे, कैसे रिचार्ज किया जाता है, कैसे कैशबैक मिलेगा और उस कैशबैक को बैंक में कैसे लेते हैं और ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है। तो इस वीडियो में हम सभी चीजें जानेंगे। तो इसके लिए ट्रेडगो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। अब ओपन करेंगे तो मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे नंबर पर 6 अंक का ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। ओटीपी कई बार ऑटोमेटिक भी ले लेता है, तो अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं लेता है तो आप खुद से ही डालेंगे। अब जैसे ही ओटीपी से वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमसे नेम पूछेगा, तो यहाँ पे आप अपना फुल नेम डालेंगे। यहाँ पे 8 अंक का एक पासवर्ड बनाना होगा, तो यहाँ पे 8 अंक का पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए रेफरल कोड पूछेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरल कोड दे दिया हूं, उस रेफरल कोड को यहाँ पे डालेंगे। तो ये सभी चीजें डाल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप आ जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर कुछ बैनर शो हो रहा होगा जिसमें बताया जाता है कि आप यहाँ से रिचार्ज करते हैं तो 4% का यहाँ से कैशबैक आप रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें कमीशन मिलता है। तो अब हमें किस रिचार्ज पर कितना कमीशन मिलेगा पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कि इस पर रिचार्ज कैसे करना है। तो इसके लिए कभी भी यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखेगा रिपोर्ट का, इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सेक्शंस हैं, माई ऑर्डर, रिचार्ज हिस्ट्री, यहीं पे एक ऑप्शन दिखेगा माई कमीशन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कमीशन का लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे सभी तरह के रिचार्ज पे हमें कैशबैक मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप बस टिकट बुक करते हैं तो उस पर भी कमीशन मिलेगा, मोबाइल रिचार्ज करते हैं उस पर भी कमीशन मिलेगा, डिश रिचार्ज, पोस्ट पेड, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस पेमेंट, इंश्योरेंस, लोन रीपेमेंट, तो यहाँ पे सभी तरह का बिल पेमेंट पे हमें कैशबैक मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए कि मोबाइल रिचार्ज पे हमें कितना कमीशन मिलेगा तो इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि अगर आप एयरटेल का रिचार्ज करते हैं तो उस पर आपको कमीशन मिलेगा 1.5% का, अगर आप बीएसएनएल का रिचार्ज करते हैं तो 4% का कमीशन मिलेगा, बीएसएनएल टॉपअप रिचार्ज करते हैं तो भी 4% का कमीशन मिलेगा, जियो का रिचार्ज पर 1.5% का कमीशन मिलेगा और वोडाफोन का रिचार्ज करते हैं जिसको हम बीआई बोलते हैं उस पर आपको 3% का कमीशन मिलेगा। अब ये कमीशन कैसे मिलेगा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप पेटीएम से रिचार्ज करते हैं 200 रुपए का, तो उस पर क्या है कि 1-2 रुपया एक्स्ट्रा देना होता है। तो 200 का रिचार्ज करेंगे तो 203 रुपया पेमेंट करना होगा, ठीक है, आप उसे कीजिए, फोन पे से कीजिए, किसी से भी कीजिए। लेकिन वही रिचार्ज यहाँ पे करेंगे तो 200 का रिचार्ज करेंगे तो 200 रुपया तो आपको कटेगा लेकिन उसमें से 6 रुपया आपको वापस मिल जाएगा, 100 रुपया पे 3 रुपया हमें वापस मिल जाएगा। अगर यहाँ पे बीएसएनएल का है तो 4 रुपया वापस मिल जाएगा। अगर आप 200 का रिचार्ज करते हैं तो 20 रुपए का कैशबैक आपको मिलेगा, मतलब कमीशन मिलेगा। और रिचार्ज तो हर कोई करता है, हर महीने आप करते होंगे और अपना फैमिली का सभी का रिचार्ज करते हैं, वहां पे कोई कमीशन नहीं मिलता है, लेकिन यहां से रिचार्ज करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा। तो बस टिकट का देख सकते हैं कि हर टिकट पे 3% का कमीशन मिलेगा। तो यहां पे जैसे हम देख लिए कि कितना रिचार्ज करने पर कितना कैशबैक मिलेगा, उसके बाद अब इस पर रिचार्ज कैसे करना है। तो एक बार आएंगे बैक, अब बैक आएंगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, फिर से यहाँ पे बैक आएंगे, उसके बाद आप आ जाएंगे इस एप्लीकेशन को होम स्क्रीन पर। यहाँ पे पैसे कमाने का एक और भी जबरदस्त तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि इससे अब रिचार्ज कैसे करना है। तो सबसे पहले इसमें हमें पैसा ऐड करना होगा, इसमें डायरेक्ट हम बैंक अकाउंट लिंक नहीं करेंगे, इसके वॉलेट में पैसा ऐड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखेगा ऐड मनी, इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि कितना पैसा ऐड करना चाहते हैं। तो कम से कम यहाँ पे 10 रुपया और ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए तक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे 10 रुपया ऐड करना हो तो 10 रुपया टाइप करेंगे, जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग जिससे चाहे उससे यहाँ पे पैसा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैसा ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो भी पैसा ऐड करेंगे वो पैसा यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर दिख रहा है और यहाँ पे बैलेंस दिखेगा, यहाँ पे अभी 0-0 है। तो जब भी इसमें पैसा ऐड करेंगे तो 1 से 1.5 मिनट लगता है इसमें पैसा ऐड होने में। अभी दोस्तों इस पर एकदम से काफी ज्यादा ट्रैफिक आ गया है, इस वजह से ये एप्लीकेशन अभी स्लो भी वर्क कर रहा है।
जब आप इसे यूज करेंगे तो देखेंगे कि काफी स्लो वर्क कर रहा है। तो इस पर क्या है कि एकदम से बहुत ज्यादा लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए हैं, क्योंकि इस पर कमीशन ज्यादा मिलता है, इस वजह से ये स्लो हो गया है। तो धीरे धीरे एक दो हफ्ते में ये अच्छे से काम करने लगेगा। तो इस तरीके से इसमें पैसा ऐड कर लिए, उसके बाद अब इसमें रिचार्ज कैसे करेंगे, तो रिचार्ज करने के लिए यहाँ पर देखिए, अगर आपको बस का टिकट बुक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, मोबाइल रिचार्ज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, डीटीएच रिचार्ज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा भी यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन है, जस्ट यहाँ सी मोड पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करके सभी चीजें देख सकते हैं, केबल टीवी का रिचार्ज, लोन रीपेमेंट, इंश्योरेंस, तो यहाँ पे सभी चीजें बताया गया है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे को मोबाइल रिचार्ज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जिस भी मोबाइल नंबर पे रिचार्ज करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे टाइप करेंगे, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए बता दिया जाएगा कि ये नंबर वोडाफोन का है और ये हरियाणा का है, यहाँ पे अमाउंट पूछा जाएगा तो इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना सभी ऑफर देख सकते हैं कि कितने का रिचार्ज करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे रिचार्ज करना है 299 का, उसके बाद यहाँ पर देखिए अमाउंट आ जाएगा, वैलिडिटी आ जाएगा, उसके बाद यहाँ प्रोसेस टू पे पर क्लिक करेंगे तो आपके वॉलेट में अगर पैसा है तो ये रिचार्ज सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मोबाइल रिचार्ज और सभी तरह का रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक पैसा कमाने का और भी तरीका है, आप इसको रेफर करके पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर ही बैनर शो कर रहा है, यहाँ पर देखिए रेफर एंड अर्न का, तो यहाँ पर देखिए रेफर नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका रेफरल कोड यहाँ पे दिखेगा, इनवाइट कोड, जस्ट यहाँ शेयर रेफरल पर क्लिक करेंगे और इसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहां चाहे वहां पे शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे जब भी शेयर करेंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा और इस रिवार्ड को आप पैसे में कन्वर्ट करके इसे बैंक में भी ले सकते हैं, तो इसको रेफर करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये है ट्रेड गो एप्लीकेशन, आप इस पर इस तरीके से अकाउंट बना करके इसमें पैसा ऐड करके मोबाइल रिचार्ज और सभी तरह का रिचार्ज करके आप यहां से कैशबैक कमा सकते हैं। तो अब दोस्तों हम बात करें कि ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, इसको हम यूज करें या फिर ना करें। तो दोस्तों देखिए ये एप्लीकेशन अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफी ज्यादा लोग इसको डाउनलोड किए हैं, इस वजह से ये स्लो हो गया है। तो दोस्तों एक दो हफ्ते में आप देखेंगे इस पर पैसा ऐड करके एक दो रिचार्ज करके आप देखेंगे तो इससे खुद ही पता चल जाएगा कि इस पर हमें काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को मैं भी 10 से 15 दिन यूज करता हूँ, कुछ रिचार्ज करके देखता हूँ कि यहाँ पे कैशबैक मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा कि ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है। लेकिन इसको जल्दबाजी में हम इसको ना ही रियल कह सकते हैं और ना ही इसको फेक कह सकते हैं, क्योंकि प्ले स्टोर पे 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है और 4.5 का रेटिंग है। अभी काफी लोगों का शिकायत है कि जब भी इस पर रिचार्ज कर रहे हैं तो पैसा कट जा रहा है लेकिन रिचार्ज नहीं हो रहा है, मतलब रिचार्ज स्लो हो रहा है, कुछ देर बाद हो रहा है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन अभी स्लो काम कर रहा है, इस पर एकदम से काफी ज्यादा ट्रैफिक आ गया है। बाकी आप एक दो रिचार्ज करके शुरू में कम ही पैसा ऐड करें और एक दो रिचार्ज करके देखें, अगर आपको कैशबैक मिलता है, कमीशन मिलता है, तभी आप इसको यूज कीजिएगा, नहीं तो इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा।